कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा फिर से कोविड 19 वैक्सीनेशन को गति दी गई है। इसी कड़ी में बूस्टर डोज महाअभियान के अंतर्गत बागली के चापड़ा में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित करवाया गया। बागली रोड पर स्थित जैन मंदिर परिसर में जनपद सदस्य श्रीमती संगीता राजेश दुग्गड़ और सरपंच नाथू सिंह सैंधव के माध्यम से वैक्सीनेशन शिविर आयोजित करवाया गया, जिसमें पात्र 622 हितग्राहियों को वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लगाया गया। अतिथि द्वारा शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में चापड़ा नगर सहित आसपास के गांवों से आकर पात्र हितग्राहियों ने बूस्टर डोज लगवाए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर ऑल ओवर इंडिया चल रहा है और हमारे मामा मुख्यमंत्री चौहान साहब के द्वारा इसको मोटिवेट किया गया है, उसी तारतम्य में जनपद पंचायत बागली, ग्राम पंचायत चापड़ा के हमारे सरपंच और नगर के सभी पूरी जो समाजसेवी संस्था हैं उनके माध्यम से ये इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग बागली का प्रेरणादायी हमें सहयोग मिला, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। मकसद इसके पीछे एक ही है कि जो महामारी कोरोना के रूप में हमारे बीच में है, इस बूस्टर डोज के माध्यम से सब निरोगी रहें और इम्यूनिटी पावर सबका बूस्टअप होता रहे, इसी को लेके बूस्टर कैंप का आयोजन किया। कितने वैक्सीनेशन हुए? 620 से अधिक लोगों ने 9 बजे से लेके 5 बजे तक इसमें लाभ लिया है, जिसमें आसपास के सभी गांवों के लोग, यहां तक कि इंदौर से आने वाले राहगीरों ने भी यहां बूस्टर डोज लगवाने का लाभ लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।